तो स्पाइडरमैन के फ्यूचर की तरह वेनम का फ्यूचर भी काफी अनसर्टेन है, क्योंकि जहां वेनम की सेकंड मूवी के अंदर वो एमसीयू के यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो गया था, वहीं अब स्पाइडरमैन नो वे होम के एंडिंग के साथ उसे फिर से उसके यूनिवर्स में टेलीपोर्ट कर दिया गया है और उसके एक छोटे से पार्ट को एमसीयू के यूनिवर्स में छोड़ दिया गया है। पर इन सब की वजह से वेनम फैंस के मन में वेनम के फ्यूचर को लेकर काफी कंफ्यूजन पैदा हो गए हैं कि वेनम की नेक्स्ट मूवी यानी वेनम 3 की स्टोरी कौन से इवेंट पर बेस्ड होगी और उस मूवी के अंदर वेनम का मेन विलन कौन होगा। तो इसीलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम वेनम 3 की स्टोरी आर्क को प्रेडिक्ट करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वेनम की अगली मूवी में उसका मेन विलन कौन हो सकता है। तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। पर अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो सब्सक्राइब के लाल बटन को जरूर दबा लें और हमारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को भी दबा दें। तो अब बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम वेनम और उससे जुड़े कई पॉइंट्स पर बात करेंगे, जैसे वेनम 3 की स्टोरी, उसका फ्यूचर और फ्यूचर में अपीयर होने वाले कैरेक्टर्स। तो सबसे पहले हम ये बात क्लियर कर लेते हैं कि वेनम की अपकमिंग मूवीज कौन से यूनिवर्स के अंदर सेटअप होने वाली है, क्योंकि जितने चक्कर सोनी और मार्वल ने वेनम से लगवाए हैं ऐसे में ये सवाल तो सबसे पहले आता है। तो स्पाइडरमैन नो वे होम की एंडिंग के साथ अब ये बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि वेनम और एडी ब्रॉक अब फिर से अपने यूनिवर्स में वापस आ चुके हैं और वेनम के आगे के सारे इवेंट्स भी सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाले हैं। तो चलिए अब इस बात पर भी नजर डाल लेते हैं कि वेनम की अगली मूवी के अंदर उसके अगेंस्ट हमें किस कैरेक्टर को दिखाया जा सकता है। मेन विलन इन वेनम 3। वेनम की पहली मूवी के अंदर रायट वेनम का मेन विलन था और वहीं उसकी दूसरी मूवी के अंदर कार्नेज को एज अ मेन विलन दिखाया गया था, लेकिन अब बारी है कुछ बड़ा करने की, एक ऐसे विलन को दिखाने की जो कि रायट और कार्नेज से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो। और अगर अभी हाल फिलहाल में चल रहे रूमर्स की माने तो वो अगला पावरफुल कैरेक्टर और कोई नहीं बल्कि ग्रैंडल द ड्रैगन सिम्बियोट हो सकता है। ग्रैंडल एक ड्रैगन सिम्बियोट है और इसे भी बिलियंस ऑफ इयर्स पहले नल ने क्रिएट किया है। ग्रैंडल के पास भी सारी सिम्बियोटिक पावर्स है, जैसे एनहांस एबिलिटीज, एडवांस हीलिंग फैक्टर और शेप शिफ्टिंग। साथ ही एक सिम्बियोट ड्रैगन होने की वजह से ग्रैंडल फ्लाई भी कर सकता है। ग्रैंडल सिम्बियोट को डायरेक्टली नल ने क्रिएट किया है, जिस वजह से वो बाकी के सभी सिम्बियोट से ज्यादा पावरफुल है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ग्रैंडल की पावर लेवल से इतनी ज्यादा है कि वो बहुत से गॉड लाइक बींग्स को भी मार चुका है। ग्रैंडल सिम्बियोट डायरेक्टली हाइव माइंड से जुड़ा हुआ है, जिस वजह से वो बाकी के सभी सिम्बियोट्स के बारे में भी जानता है और इसे नल डायरेक्टली कंट्रोल भी कर सकता है। और ऐसे ही कंट्रोल करके नल ग्रैंडल को अलग अलग प्लैनेट्स पर भेजता है ताकि ग्रैंडल उन्हें खत्म कर सके और वहां की सारी रोशनी को मिटा सके। और इसीलिए अगर वेनम की नेक्स्ट मूवी के अंदर ग्रैंडल सिम्बियोट के दिखने के रूमर्स सच होते हैं तो ऐसे में ये मूवी और भी बहुत सी कमाल की स्टोरी लाइंस के लिए दरवाजे खोल सकती है। इसके अलावा हमने वेनम 2 के अंदर पैट्रिक मुलिगन नाम के एक पुलिस ऑफिसर को भी देखा था। कॉमिक्स के अंदर पैट्रिक मुलिगन कार्नेज सिम्बियोट का ऑफस्प्रिंग यानी टॉक्सिन सिम्बियोट का होस्ट बनता है। और भले ही वेनम 2 के अंदर हमें टॉक्सिन सिम्बियोट का कोई भी सीन ना दिखाया गया हो, लेकिन मूवी की एंड सीन में पैट्रिक मुलिगन को एबनॉर्मल सिचुएशन में देखने के बाद हम फैंस ये समझ ही गए थे कि फ्यूचर में अब टॉक्सिन को भी शो कर ही दिया जाएगा। इसीलिए अगर बात करें वेनम 3 के प्लॉट स्टोरी की तो उसमें मे बी ऐसा हो सकता है कि पहले तो पैट्रिक मुलिगन एडी ब्रॉक को पकड़ने की कोशिश करें, लेकिन वेनम सिम्बियोट एडी को बचाने के लिए पैट्रिक मुलिगन पर अटैक करें और इसी के रिस्पॉन्स में टॉक्सिन अपने होस्ट पैट्रिक मुलिगन की हेल्प करें और अपने प्रॉपर अपीयरेंस में आकर वेनम का सामना करें। लेकिन आपस में काफी वक्त तक लड़ने के बाद एडी ब्रॉक और पैट्रिक मुलिगन के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो जाएं और वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाएं। पर उसी दौरान ग्रैंडल द ड्रैगन सिम्बियोट अर्थ पर आ जाए और यहाँ आकर डिस्ट्रक्शन करने लगे, जिसके बाद वेनम और टॉक्सिन दोनों मिलकर ग्रैंडल का सामना करें और अपने टीम वर्क से उसे हरा दें। पर मूवी की एंडिंग आते आते कार्नेज सिम्बियोट किसी तरह खुद को फिर से रिस्टोर कर ले और एक बार फिर से अपने प्रॉपर फॉर्म में आ जाए, जिसके बाद वो जाकर थके और हारे हुए ग्रैंडल सिम्बियोट से बॉन्ड हो जाए और खुद को एब्सोल्यूट कार्नेज बना ले, जिसके बाद वेनम की फोर्थ मूवी के अंदर एब्सोल्यूट कार्नेज के इवेंट्स को दिखाया जाए। कॉमिक्स के अंदर भी जब कार्नेज ग्रैंडल सिम्बियोट से बॉन्ड होकर एब्सोल्यूट कार्नेज बनता है तब वो हाइव माइंड से कनेक्ट हो जाता है, जिसके बाद उसे बाकी के सारे सिम्बियोट्स के बारे में पता लग जाता है और वो अपने गॉड यानी नल के बारे में भी जान जाता है, जिसके बाद वो नल को क्लेंटार से आजाद कराने की कोशिश करता है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि मूवीज में भी जब कार्नेज ग्रैंडल से बॉन्ड होकर एब्सोल्यूट कार्नेज बन जाएगा तब वो भी सिम्बियोटिक कोडेक्स को कलेक्ट करके नल को आजाद करने की कोशिश करेगा, और ना सिर्फ वो कोशिश करेगा बल्कि वो अपने इस काम में सक्सेसफुल भी हो जाएगा और वो अपने गॉड नल को क्लेंटार से आजाद कर देगा। और अगर ये सब पॉसिबल होता है तो इसके बाद आगे चलकर किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन को भी कंटिन्यू किया जा सकता है, जिसके अंदर नल क्लिंटार से आजाद होकर अर्थ पर अटैक कर देगा, जिसके रिस्पांस में अर्थ के सारे सुपर हीरोज मिलकर गॉड ऑफ सिम्बियोट्स नल का सामना करेंगे। और इसी दौरान या फिर इससे पहले भी एडी ब्रॉक के बेटे यानी डिलन ब्रॉक को भी मूवीज में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, क्योंकि डिलन ब्रॉक भी एक पावरफुल कैरेक्टर है और किंग इन ब्लैक स्टोरी लाइन के लिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसके पास भी नल जैसी सिमिलर पावर्स हैं, जैसे हाइव माइंड से कनेक्शन बनाना, सभी सिम्बियोट्स को कंट्रोल करना और उन सिम्बियोट्स को
एटॉमिक लेवल तक डिसइंटीग्रेट करना। वैसे अगर आप किंग इन ब्लैक सीरीज की पूरी स्टोरी और इवेंट्स को जानना चाहते हैं तो आप हमारी हु किल्ड नल वाली वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर हमने इस पूरी स्टोरी को एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे नल क्लिंटार से आजाद हुआ, कैसे उसने अर्थ पर अटैक किया, कैसे अर्थ के सारे सुपर हीरोज ने मिलकर उसका सामना किया और आखिर में वो कौन सा कैरेक्टर है जिसने नल को खत्म किया। तो अगर आपको वीडियो देखनी है तो आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमने इस वीडियो के अंदर जिन भी पॉइंट्स पर बात की है उनमें से कुछ भी अभी तक ऑफिशियली कंफर्म नहीं है, इसीलिए जितने चांसेस इनके सही होने के हैं उतने ही चांसेस इनके गलत होने के भी हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक जरूर करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी का भी सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।